वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं काले वटाने की तरकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 ग्राम काला वटाना, इसे हमने रात में भिगोया था, 1/4 टीस्पून से कम सोडा डाल के सुबह में इसे बॉईल कर दिया। इस तरह से हमारा वटाना बॉईल हो चुका है। 2 मीडियम साइज की प्याज, 1 मीडियम साइज का टमाटर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, नमक आपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 5-6 लहसुन की कलियां, 1 छोटा टुकड़ा खोपरा, इसे हमने इस तरह से ग्रेट किया हुआ है, बाद में इसे हम भून लेंगे। सबसे पहले हमारे मसाले को पीस लेते हैं। हरे मसाले को हमने इस तरह से पीस लिया। अब खोपरे को भी हम भून लेते हैं। गैस को हमने ऑन किया हुआ है और पैन को गर्म किया हुआ है। अब इसे मीडियम साइज मीडियम पे भून लेते हैं। इस तरह से हम भून लेंगे। खोपरा हमारा इस तरह से भून लेंगे और इसे फटाफट निकालेंगे, नहीं तो पैन हमारा गर्म है, खोपरा जलते जाएगा। उसे दूसरे प्लेट में निकाल के उसे ठंडा होने देंगे, मिक्सर में पीस लेंगे। इसे पूरी तरह ठंडा नहीं करना है, नहीं तो बारीक पीसा नहीं जाएगा। इसे हमने इस तरह से पीस लिया। 1/2 टीस्पून भी ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पे हमने 1/2 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे। प्याज, थोड़ा सा जीरा 1/4 टीस्पून, प्याज को हम फ्राई करेंगे। हमारा मीडियम फ्लेम पे है, मीडियम फ्लेम पे रख के हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हमारी अच्छी तरह से नरम जब हो तब हम मसाले डालेंगे। प्याज हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है। अब इसमें हम हरा मसाला ऐड करेंगे। और इसे 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भून लेंगे हरे मसाले को, ताकि हरे मसाले का जो कच्चापन हो वो दूर हो। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा, नमक, थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे। गैस हमारा स्लो फ्लेम पे है। अब टमाटर ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया। टमाटर भी हमारा थोड़ा नरम हो चुका है। अब इसमें हम खोपरा डाल देंगे पिसा हुआ, मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से भून लेंगे और 1 मिनट, ताकि हमारे खोपरे का फ्लेवर भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो। आप इसमें हम काला वटाना बॉईल किया हुआ ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। वटाना बॉईल किया हुआ था, उसका जो थोड़ा सा स्टॉक बचा हुआ था वो भी ऐड कर देंगे। अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गैस को हम हाई फ्लेम पे लेंगे, ऑयल होने के लिए रख देंगे। अब
मटाने को हमारे अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है, सारे मसाले भी मिक्स हो चुके हैं। और इसे हम गैस को स्लो करके 5 मिनट पे कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो चुका है, मटन हमारा रेडी है। अगर थोड़ा पानी है तो थोड़ा सा ड्राई करेंगे, गैस को हम हाई फ्लेम पे लेंगे। 2 मिनट थोड़ा पानी हमने ड्राई किया, पूरी तरह ड्राई नहीं करना है, थोड़ा मसाला अंदर इस तरह से रखना है ताकि बाद में वो मसाला अपने आप ड्राई हो जाता है। गैस को हमने ऑफ किया, काले वटाने की तरकारी हमारी रेडी है। अगर आपको हमारे काले वटाने की तरकारी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।